हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी एसटीजे कार। भाई महिंद्रा थार रॉक्स लॉन्च हो गई है और गाड़ी अब आपको मिलती है 5 डोर के साथ विद बेहतरीन इंजन। पहले जो इंजन आया करता था उसको अब रिफाइन कर दिया है, नया इंजन इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया है। 2.2 लीटर का ये वही इंजन है जो आपको स्कॉर्पियो एन में देखने को मिलता है। थोड़ा बड़ा इंजन और पावर ऑफ कोर्स इसके अंदर काफी अच्छी मिल जाती है। जैसा आपको बताया पेट्रोल डीजल दोनों वेरिएंट में आती है, लेकिन थोड़ा सा खेल कंपनी ने इस बार ये खोल दिया है कि इसके जो 4x4 वाला जो वेरिएंट है ना उसकी प्राइस लॉन्च ही नहीं करी है। तो इसकी जो प्राइस अभी लॉन्च हुई है वो हुई है भाई इसके रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट की, जहां पे स्टार्ट हो जाता है गाड़ी का प्राइस लगभग कितने से 12,99,000 रुपए एक्स शोरूम, 13 लाख, और टॉप मॉडल अभी रियर व्हील ड्राइव का प्राइस आता है 19,99,000 रुपए यानी कि 20 लाख। तो इसका मतलब अगर 4x4 को लेना चाहता है तो उसके लिए भाई इसकी प्राइस बढ़ने वाली है, लगभग 23 से 24 लाख रुपए तक भी जा सकती है। तो ये तो हो गई प्राइस की बात। बाकी आपको बताया कि इसके अंदर वेरिएंट काफी अच्छे आते हैं और ऑफ कोर्स इसके जो फीचर्स हैं उसमें काफी ज्यादा एड ऑन कर दिए, तो इसलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं इसका MX5 वाला वेरिएंट। और जो MX5 वाला वेरिएंट है ये आपको डीजल में मिल जाएगा और पेट्रोल में भी मिल जाएगा, डीजल मैनुअल 4-व्हील ड्राइव के साथ। ये इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आए हैं। तो स्क्रीन पे जो अभी आपके पास वेरिएंट है ये है इसका डीजल मैनुअल 4-व्हील ड्राइव MX5 वेरिएंट जो सबसे ज्यादा बिकने वाला है। अब इस वेरिएंट की प्राइस क्या होने वाली है ये तो अभी नहीं रिवील हुई, लेकिन 4x2 डीजल में इसकी प्राइस 16,99,000 रुपए पड़ती है यानी कि 17 लाख रुपए एक्स शोरूम। MX5 इसका सबसे ज्यादा बिकने वाला वेरिएंट होने वाला है क्योंकि इसके अंदर आपको सारे कमाल के फीचर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि अगर आप MX5 डीजल मैनुअल लेते हो तो इसके फ्रंट में आपको क्या क्या चीजें ऑफर हो जाती है। MX5 में सबसे पहले आप लाइट देख लीजिए, इसके अंदर आपको सामने मिलती है LED बाय प्रोजेक्टर हेडलैम्प। तो इसके अंदर आपको LED हेडलैम्प जो है वो देखने को मिल जाएंगे, वो भी C-टेप DRL के साथ जो काफी ज्यादा जबरदस्त लग रहे हैं। फ्रंट में पार्किंग सेंसर और नीचे आपको LED फॉग लैम्प भी देखने को मिलते हैं। इंडिकेटर का डिजाइन ब्लिंक करता हुआ बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी साइड प्रोफाइल अगर आप इस तरफ आते हो तो गाड़ी की जो लेंथ है ना वो बढ़ा दी है, अब इसकी लेंथ आपको मिलती है 4,428 mm। वही अगर आप गाड़ी की विड्थ की बात करते हो तो विड्थ भी इसमें 16 mm बढ़ गई है, अब वो आपको मिलती है 1870 mm की। और गाड़ी की हाइट की बात करते हो तो वो भी बढ़ा दी है भाई, अब आपको मिलती 1923 mm की ओवरऑल इसके अंदर आपको हाइट मिल जाती है। भाई व्हील बेस की बात करोगे तो भाई वो बढ़ गया है, पहले 2400 कुछ का आता था लेकिन अब 2850 mm का व्हील बेस मिल जाता है। एंड ऑफ कोर्स इसके अंदर आपको 57 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है डीजल पेट्रोल दोनों के अंदर, और इसके अलावा भाई 447 लीटर का बूट स्पेस भी आपको इसके अंदर मिल जाता है जो अपने सेगमेंट में काफी ज्यादा बड़ा है, पहले इसमें बूट स्पेस की बड़ी दिक्कत हुआ करती थी। वही अगर आप इस साइड में और आते हो उसके टायर साइज पर नजर डालते हो तो इसका जो MX5 वाला वेरिएंट है जो इसका सबसे ज्यादा बिकने वाला है उसके अंदर आपको 18 इंच के अलॉय व्हील देखने को मिल जाते हैं जो अपने सेगमेंट के काफी ज्यादा अच्छे अलॉय। इसके अलावा और अगर आप साइड में आ जाते हो जैसे कि पीछे की तरफ आते हो तो इस वाले वेरिएंट से ही आपको वाइपर, वॉशर, डीफॉगर, बैक कैमरा एंड पार्किंग सेंसर जैसे सारे फीचर MX5 वाले वेरिएंट से देखने को मिल जाते हैं। हालांकि जो इंडिकेटर है वो इसमें बेस मॉडल वाले ही आपको मिलेंगे, पीछे वाले जो टेल लैंप है वो भी आपको इसकी टाइप में देखने को मिल जाते हैं जो काफी ज्यादा जबरदस्त है। बाकी एक चीज आपने इसमें नोटिस करी होगी कि जो पीछे वाले डोर का जो हैंडल है ना वो कहाँ पे है, वो देखिए यहाँ पे इसमें दिया हुआ है इस जगह पे, तो कुछ इस तरह से आपको इसके अंदर हैंडल मिल जाते हैं। कलर्स की बात करोगे तो भाई ये भी आपको जो है 3-4 कलर्स में जो है अवेलेबल हो जाती है, जैसे कि व्हाइट कलर आपको एक इसका दिख जाता है और व्हाइट कलर में तो थार यार वैसे ही काफी अच्छी लगती है, तो ये व्हाइट कलर में आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसे ही आप एक रेड कलर अभी देख रहे थे, ऐसे ब्लू कलर में एक ये देखने को मिल जाती है और ये भाई ब्लू कलर भी काफी ज्यादा जबरदस्त लग रहा है। एक ही ग्रे कलर में कुछ आपको देखने को मिल जाएगी तो ये कुछ इस टाइप की दिखती है, ऐसी ग्रीन कलर में आ जाएगी जो आपका ये खाकी ग्रीन होता है ना, जैसे कि आप आर्मी वाली गाड़ियां देखते हो और इसमें तो भाई लुक जबरदस्त ही आ रहा है, तो ये ग्रीन कलर मिल जाएगा। और एक इसका ये वाला कलर आता है जिसका बड़े टीजर जो लॉन्च हुए थे उसमें थे, बाकी ब्लैक कलर की थार तो सब वैसे ही अच्छी लगती है, मुझे सबसे अच्छी लग रही है ग्रीन कलर में, तो ये ग्रीन कलर की आपको थार जो है ये ऑफर हो जाएगी। ठीक है, वेरिएंट मैंने आपको बता दिया। बाकी फीचर की अगर मैं बात करता हूँ ना तो इसके अंदर सबसे पहले फीचर बाहर से आपको क्या मिल जाता है, आपको मिल जाती है भाई सनरूफ। तो इसके अंदर एक छोटी वाली सनरूफ आपको देखने को मिल जाती है जैसा कि आपको नेक्सॉन के अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा 18 इंच के आपको इसके अंदर अलॉय व्हील जो है वो कंपनी ऑफर कर देती है जो काफी ज्यादा जबरदस्त है अपने सेगमेंट में। सी टाइप आपको DRL मिल जाते हैं विद LED हेडलैम्प आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं प्रोजेक्टर टाइप। इसके अलावा परफॉर्मेंस और कैपेबिलिटी की अगर आप बात करते हो तो भाई 2.2 लीटर का डीजल इंजन मिलता है जो आपको 150 BHP निकाल के देता है और 350 Nm का आपको इसके अंदर टॉर्क मिल जाता है। इसके अलावा आपको लेदराइट सीट्स जो है वो कंपनी ऑफर कर देती है और ये इसके MX5 वेरिएंट से ही स्टार्ट हो जाता है। 10.25 इंच का आपको इसके अंदर बड़े वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है जो आपको इसी वाले वेरिएंट से मिलेगा जो इसका MX5 वाला वेरिएंट, इनफैक्ट MX3 से भी लॉन्च हो जाता है लेकिन 5 में भी आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही अगर आप स्टेयरिंग पे नजर डालोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है क्रूज कंट्रोल विद 6 एयरबैग जो कि स्टैंडर्ड है, और साथ ही आपको MID के क्लस्टर के कंट्रोल लेफ्ट साइड पे मिल जाते हैं। इसके अलावा फ्रंट पार्किंग सेंसर आपको इसके अंदर ऑफर हो जाते हैं, TPMS का फीचर, तो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। तो ये सारे फीचर हैं जो आपको कंपनी इस बार स्टैंडर्ड दे रही है, जैसे कि अगर आप 6 एयरबैग की बात भी करोगे तो ये भी आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं। तो ओवरऑल जो है ये चीज आपको यहाँ देखने को मिलगी।
अभी चलते हैं गाड़ी के अंदर जो इसका इंटीरियर है और इंटीरियर में देख के आपको दिखाते हैं कि वहां से क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल जाती। तो अब आ गए हम गाड़ी के इंटीरियर में। तो MX-5 का इंटीरियर कुछ आपको इस टाइप का दिखाई देता है। हालांकि ये टॉप मॉडल कार है, टॉप मॉडल इसका मिड वेरियंट आता है, और इस वेरियंट में अगर XUV300 के अंदर जाते हो तो वहां पे आपको इसका MID क्लस्टर डिजिटल वाला देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे MID क्लस्टर नॉर्मल वाला है जैसा कि पुरानी थार में आता था। साथ ही क्रूज कंट्रोल, MID कंट्रोल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिल जाता है, ऑटोमेटिक AC मिल जाता है, और 4x4 कैपेबिलिटी के साथ ये गाड़ी आ जाती है। 4x4 कम ही वेरिएंट में इन्होंने इस बार ऑफर किया है। जैसे कि टॉप वेरिएंट की तरफ अगर आप जाओगे MX-5 और AX7L तो ये आपको 4x4 मिलेगा डीजल में। पेट्रोल में 4x4 का कोई ऑप्शन नहीं आपकी कंपनी ऑफर कर रही है। इसके अलावा नीचे की तरफ नजर डालते हो तो चारों पावर विंडो, लॉक अनलॉक के बटन आपको मिल जाते हैं, और साथ ही भाई जो आप सीट का कवर देख रहे हो ना, ये सारा आपका लेदराइट सीट है जो कंपनी से होके मिलेगी। ड्यूल टोन थीम में गाड़ी आ जाएगी, व्हाइट एंड ब्लैक कलर का, जो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। ओवरऑल गाड़ी का फ्रंट ऐसा है। ऊपर की तरफ नजर डालते हो तो ऊपर सनरूफ आपको कुछ ऐसी वाली मिल जाती है, और जो स्पीकर के प्लेसमेंट है ना वो आपको छत में ही देखने को मिलते हैं, जैसे कि सफारी में आपको देखने को मिलते हैं। ऊपर की तरफ आपको सनरूफ मिल जाती है, लाइटें मिल जाती है, IRBM जो है वो ऑटो डिमिंग फंक्शन के साथ आ जाता है। तो ये सारी फीचर यहाँ मिल गए। बाकी रियर सीट की तरफ अगर आप जाओगे, इसके वाले जो पैसेंजर उनके लिए सबसे अच्छी बात है कि इसके इस बार आपको तीन हेडरेस्ट मिलते हैं। तीनों ही पैसेंजर जो रहेंगे पीछे के, उनको तीनों की तरफ आपको हेडरेस्ट जो है देखने को मिल जाएंगे, वो भी एडजस्टेबल। साथ ही आर्मरेस्ट आपको यहाँ मिल जाता है, और जो इसका पीछे वाली रो का स्पेस है ना वो काफी ज्यादा अच्छा है, तो स्पेस काफी अच्छा मिल गया। पीछे आपको सी टाइप पोर्ट मिल जाता है, और साथ ही आपको मिल जाता है रियर AC वेंट। तो ओवरऑल ये सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। तो पीछे वाली सीट की जो पैसेंजर की इस बार कंफर्ट होगा वो पहले से ज्यादा अच्छा है, काफी अच्छा बढ़ गया है। ओवरऑल आपको यहाँ से ये सारे फंक्शन देखने को मिल जाते हैं। बाकी अगर आप इसमें बाहर की तरफ आते हो जो इसका एक्सटीरियर है, तो वहाँ का फीचर हमने आपको दिखाई दिया है। तो कुछ इस टाइप की आपको ये गाड़ी जो है दिखाई देती है, एक्सटीरियर जो है गाड़ी का कुछ इस टाइप का दिखाई देता है। इसकी लंबाई चौड़ाई काफ़ी अच्छी होगी तो कम्फर्ट काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, टायर साइज अच्छा हो गया है, एंड ऑफकोर्स जो व्हील बेस है वो बढ़ गया है, तो इसके अंदर अब आपको राइड क्वालिटी पहले से ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी। प्राइस क्या होने वाली है इस 4x4 वेरिएंट की वो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन जैसा मैंने बताया 4x2 वेरिएंट MX-5 आपको लगभग 16,99,000 रुपये का पड़ता है, मतलब 17 लाख रुपये एक शोरूम। अब इस प्राइस सेगमेंट में आप कौन सी कार लेना ज़्यादा पसंद करोगे, महिंद्रा थार, रॉक्स, या फिर आप चले जाओगे इस सेगमेंट में, आपको स्कॉर्पियो N भी आ जाएगी, तो आप अगर स्कॉर्पियो N लेना चाहते हो तो उस सेगमेंट की तरफ भी जा सकते हो। बाकी यही था एक छोटा सा वीडियो रिवॉल्विंग महिंद्रा थार रॉक्स के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, और मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।